उस बच्चे के साथ गलत हुआ है बहुत, उसे मारना नहीं चाहिए था इतना जितना मारा उस बच्चे को, इनको इंसान मिलना चाहिए। उसमें जो है ये गणेश जी की जो मूर्ति वगैरह की जो पूजा वगैरह चल रही है उसमें से उन्होंने कोई फल खा कर खाया, उन्होंने उसको बहुत बेइज्जती से मारा। सिर्फ प्रसाद तो उठाए थे, प्रसाद तो हिंदू भाई लाते मंदिर पे से, मुझे भी देते थैली पे, तो मैं लेते उनके सामने था लेता हूँ प्रसाद। बताए थे कि चोरी की घटना थी, पर मुझे तो लगता नहीं वो बंदा ऐसा था, अगर उसको 10-20 रुपये भी दिया जाए तो वो जो मर्जी काम कर देता था, अगर उसको 10 रुपये देना तो पूरे घर का काम कर देगा वो, ऐसा था। दिल्ली के सुंदर नगरी में 26 वर्षीय मुस्लिम युवक एसआर अहमद की पीट पीट कर हत्या कर दी। एसआर ने कथित तौर पर गणेश जी के सामने से प्रसाद उठाया था, उसके बाद वहां के कुछ युवकों ने एसआर को इलेक्ट्रिकल पोल से बांधकर बड़ी बहरहमी से पीटा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये घटना सामने आई। मेरा नाम अब्दुल वाजिद है और जो मैंने सुना है अपने लोंडे के बारे में, गणेश जी के मंदिर पे से प्रसाद उठाते ने था दी, हमारे लौंडे ने प्रसाद उठाते था ही है और उसे पटला है इन्होंने, पटलने के बाद उसे चोरी का अंजाम लगाते इस थम्बे से बांध दिया और बांधा कौन सी उससे, जिससे डीजे ब्लेड से उससे जतलते बांध दिया, बांधने के बाद उसे मारा इतना है बहुत, उसकी हड्डी पसरी सब जतल दी, जो आता दिया वो मारते दिया। उसने मानना इनसे मुझे पानी तो पिला दो, आना तुझे पानी क्या पिला दे तुझे मारे दे, सिर्फ प्रसाद तो उठाए थे, प्रसाद तो हिंदू भाई लाते मंदिर पे से, मुझे भी देते थैली पे, तो मैं लेते उनके सामने था लेता हूँ प्रसाद। प्रसाद भगवान का हो या अल्लाह का हो, फेंकना नहीं चाहिए, उसे खाना चाहिए, तो इसी वजह से उसे भूख लग रही हो या प्यास लग रही हो, उन्हें प्रसाद उठा दे खा ली तो वो चोर हो गया, उसे चोर पेटे मारा, मारने था मारते एक दो जने मारने के बाद उसे 100 नंबर बुला दे, पुलिस वाले आते उठवा देते, मतलब ऐसे नहीं मारना था जो बिल्कुल वो जान से मर जाए। तो कि वहाँ पर गणेश जी का जो ये था मूर्ति थी मंदिर थे, और यहाँ से लेके यहाँ पर आगे 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 हम यहाँ से थोड़ी दूर पर आएंगे तो यहाँ पर एक पुल है जो वीडियो में दिखता है, जो वीडियो वायरल हुआ था कथित तौर पर, जो वीडियो वायरल हुआ था तो ये वो यही पुल है, तो इस पुल से उनको बांध कर मारा था। और यहाँ पर जो चश्मदीद लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग ऐसा बताते हैं कि सुबह 4 बजे या 6 बजे की ये घटना थी, लेकिन उसके बाद 2-4 घंटे के बाद भी जो युवक था तो वो यहीं पर पड़ा था और रास्ते पर आते जाते लोग उनको देख रहे थे, लेकिन किसी ने उनको उठाया नहीं। तो ये जो है ना, मैं हम तो इंसाफ चाहते हैं, चारों बहनें और हमारे पापा भी, जो हमारे भाई के साथ में होया ये सही नहीं होया, बहुत गलत होया, हम अब इंसाफ करेंगे और आगे से आगे बढ़ाएंगे, इंसाफ ही चाहेंगे हम, चाहे तुम हमारे पापा से ही बात कर लो, वो भी यही बात कहेंगे इंसाफ ही होगा, अच्छा नहीं करा मेरा भाई के साथ में, बहुत बुरा करा, ऐसे मारते नहीं है कोई, कुत्ता बिल्ली बिल्कुल नहीं मारता हो कोई, अच्छा नहीं लगता ऐसा, हम गरीब को क्या मिला मार के, कुछ मिला नहीं, मिला ना मेरा भाई की तो जान ही गई है। सर मैं सुबह जब घर पे था, मैं प्रसाद बनाता हूँ मंगलवार का, तो मेरा लड़का मैंने दूध लेने भेजा था, तो उसने बताया था पापा ऐसा था किसी चोर को पकड़ रखा है तो उसको मार रहे हैं, तो मैं फिर इसी दौरान फिर मैं वहाँ से घर से आया, आके मैंने देखा, मैंने यार ये बंदा तो मुझे मस्जिद के साइड का लग रहा है, तो फिर उसके बाद में मैंने देखा था, उसके बाद बांधा हुआ तो जब था नहीं, पहले बांध बुन के उन्होंने मार के छोड़ दिया, पहले ही बताया था कि चोरी की घटना थी, पर मुझे तो लगता नहीं वो बंदा ऐसा था, अगर उसको 10-20 रुपये भी दिया जाए तो वो जो मर्जी काम कर देता था, अगर उसको 10 रुपये देना तो पूरे घर का काम कर देगा वो, ऐसा था, मैं दिमाग से थोड़ा संतुलन उसका वैसा था अलग, कुछ भी काम करवा लो उससे, जहाँ मर्जी कूड़ा बीनता रहता तो ज़्यादातर, और प्लस उस वाले खंभे में उसको बांधा था बता रहे थे, तो फिर मैंने देखा था तो वो वहाँ पड़ा था 4 बजे तक, तो यहाँ पड़ा हुआ था ये 4 बजे तक, इसका क्या नाम है मलिक मेडिकल के पास यहाँ पड़ा हुआ था, उसके बाद ये जब घर गया है उसके बाद बाद आया तो ये जो कुछ हुई है।
यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा था कि इसार की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन हमने फैमिली और आसपास के पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने इसको पूरी तरह से नकारते हुए ये कहा कि इसार दिमागी तौर पर पूरी तरह से फिट था, उसकी दिमागी हालत सही थी, सिर्फ उसने गणेश जी के सामने से प्रसाद उठाया था तो उसको बेरहमी से पीट कर मार दिया। उस बच्चे के साथ गलत हुआ है बहुत, उसे मारना नहीं चाहिए था इतना जितना मारा उस बच्चे को, इनको इंसान मिलना चाहिए। क्या हुआ था, क्या क्या सुना आपने? बस उसे बच्चे को बंधा हुआ मारता हुआ देखा हमने। आपने पहले कभी उसको देखा था जो कंटिन्यूअसली बताया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, वो बच्चा सही है, बच्चा गलत नहीं है, बस वो है वो किसी ने 10 दे दिया तो उसका काम कर दिया, किसी ने 20 दे दिया उसका काम कर दिया। यही कहना कि महिलाओं के वो ऐसा नहीं था, किसी को दुख देने वाला बच्चा नहीं था, किसी को मारता भी नहीं था, किसी को भी सही है बच्चा वो। तब जाके इन्हें पता पड़ा कि उसने जो है ये गणेश जी की जो मूर्ति वगैरह की जो पूजा वगैरह चल रही है उसमें से उनने कोई फल उठा कर खाया था, तो उन्होंने उसको बहुत बेदर्दी से मारा था। फिर पुलिस केस हुआ, तब पुलिस वालों ने वहाँ से सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटो वगैरह जब दिखाई तो उसमें एक सुबह का टाइम दिखा रहे थे, तकरीबन 5 या 6 बजे से करीब उसको ये मार रहे थे, और वो पानी भी मांग रहा था, ना उसको पानी दिया था। हाँ, फिर उसके बाद वो लोग उस पर एक तो पागल होने का और एक चोरी का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वैसे तो देखो हम पूरी, आप पूरी वीडियो देख सकते हो, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आप वीडियो देखोगे उसकी वीडियो बहुत है। अगर देखो पागल भी होता तो भैया पूरी गली में रहता था बच्चा, हम भी तकरीबन 22-23 साल से रह रहे हैं। खतरनाक वीडियो, हाँ अब देखो वीडियो देखे तो आप ही सोचो कि किसी को बताने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना वो पागल था ना ऐसा कुछ था, ये बस इंसान के दिमाग की बात है। अब ये समझ लो हम आमने सामने कम से कम हम करीब लगभग 18-20 साल से रह रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं देखी उसके अंदर। ये चार बहन है, चार बहनों का एक भाई था। अब उसको मान लो अगर उसने कहीं मूर्ति में से अगर एक केला उठा के खा लिया, अब उसको तुमने मार भी दिया, फिर ये कह रहे हो कि उसने चोरी की है, फिर उसको कह रहे हो कि दिमागी संतुलन उसका कम था, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसे मारना था, क्या मारना था, क्या सोच के मुसलमान समझ के, बस और कुछ नहीं। एक केले की क्या क्या है, केला कितने का होगा बताओ, अब उसके ऊपर उसे इतना मारा भी, उसके ऊपर फिर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। चोर होता ना तो मोहल्ले पड़ोस भी किसी के यहाँ चोरी करता, ऐसी बात नहीं है, यहाँ नहीं कहीं भी पता कर लेना गली में आसपास घूम के। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।